अरे दिखाओ तो, अरे मुझे तो अरे दिखा तो सही ले अरे अरे एक मिनट दिखा। तू तो कह रही थी लड़का बड़ा गोरा है, फिर फोटो में ऐसा क्यों है? झूठ काहे बोलूंगी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कहीं धोखा तो नहीं खा रही? जिसे तूने देखा है वो तो तेरा मंगेतर लगता ही नहीं। अरे चुप, एक बार नहीं तीन बार देखा है, मैंने तो इनसे बात भी की है। अच्छा बात भी की है, तो फिर फोटो लिए क्यों घूम रही है? अरे बेवकूफ, फोटो तो ये हमें दिखलाने लाई है। क्यों गौरी, क्यों नहीं? जरा इसकी कंधे तो देखो, पट्ठा है पूरा पट्ठा। अरे तुम दोनों गवार की गवार ही रहोगी, हमेशा पगलियों जैसी बोलती हो। अरे मर्द और औरत के बीच प्यार पहले देखा जाता है, और अगर दोनों के बीच प्यार हो तो जिंदगी आराम से गुजर जाती है। दयारी, ये कल की छोकरी हमें प्यार का पाठ सिखावेगी। तूने कभी किया है प्यार? राधा, राधा बिटिया, उठ जा। क्या हुआ है मुझे? अरे कुछ भी नहीं हुआ, बस जरा सा चक्कर आ गया था। गांव की लड़की होकर भी तो सांप से डरती है। सांप? अरे वो कुछ नहीं है, गौरी ने बताया तू उसके मंगेतर की फोटो देख रही थी, अचानक कहीं से सांप आ गया। तेरी ये सहेलियां तो भाग गई और तू सांप को देखकर बेहोश हो गई, और गौरी ने गांव में जाकर खबर कर दी तो हम सब लोग आ गए। अब कुछ नहीं है बेटा। अब कहाँ है सांप? मर गया। चल अब खड़ी हो, यूं ही बैठी रहेगी? सांप को कैसे मारा? अरे वो सांप तुझे देखकर खुद ही मर गया। बाबली चल अब खड़ी हो, सब बताती हूँ। चल चल बेटिया, चल चल कर, चल आजा आजा बेटिया, चल चल राधा, चलो भाई चलो भाई। चल गौरी घर चले, अभी बहुत देर हो गई। अच्छा गौरी एक बात बता। पूछ। जब मैं बेहोश हुई तो सांप ने मुझे काटा क्यों नहीं? अरे बावली, सांप ने तो तुझे काटा पर उसे तेरा स्वाद नहीं आया था। जब हम तुझे वहाँ बचाने पहुँचे तो वहाँ एक बहुत खूबसूरत नौजवान खड़ा था। नौजवान? कौन था वो नौजवान? पता नहीं, लेकिन दीनू काका को पता है। दीनू काका? चल दीनू काका से पूछते। राम राम काका। राम 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 राम, 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 राम। आजा बेटिया,
और कैसी है राधा बेटी? बिल्कुल बढ़िया। और तू? सब मजे में। बहुत बढ़िया। काका आपके लिए गरम गरम दूध लाई। वाह राधा बिटिया वाह, तू ही तो मेरा ख्याल रखती है। अगर तू ख्याल नहीं रखती तो तेरा काका कब का। नहीं नहीं नहीं। और बता बिटिया, सब ठीक ठाक है? बहुत बढ़िया। तू बता गोरी। सब मजे में काका। अच्छा काका, आपने बताया नहीं उस दिन सांप कैसे मरा? जिस खेत में तू बेहोश हुई थी, तू जानती है वो किसका है? हाँ सुना है, शायद शमशेर सिंह का। और तू ये भी जानती होगी कि उसके कोई औलाद नहीं है। हाँ शायद। पर ये सच नहीं है। मतलब? मतलब ये सरपंच के एक बेटा है। पर गांव वाले तो समझते हैं। अरे गलत समझते हैं गांव वाले, इन्हें क्या पता। शमशेर सिंह ने अपने उस बेटे के पैदा होते ही उसे उसके ननिहाल भेज दिया ताकि वो अच्छी पढ़ाई लिखाई कर सके। कमाल का लड़का है, कमाल का। तो ये वही है। और देखो, उसने पढ़ाई लिखाई तो शहर में करी, लेकिन लौट कर फिर से गांव में आ गया। अरे काका, शहर का छोकरा गांव में भला किस किस्म के काम करेगा? गौरी ठीक कह रही है काका। अरे गौरी, यही बात तो निराली निकली उस लड़के के अंदर। मतलब ये वो शहर से गांव ही नहीं आ गया, बल्कि गांव में रहकर कुछ काम करना चाहता है। उसने बताया कि शहर में उसने कोई ये खेती बाड़ी की कोई बहुत बड़ी पढ़ाई करी है। वो क्या कहते हैं उसे, अरे वो क्या कहते हैं उसे, वो एग्री कुछ ऐसे ही कुछ। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। अरे वाह गौरी, तू तो बहुत पढ़ी लिखी निकली है, अंग्रेजी बोलती है। और उसने ये भी बताया कि वो खेती बाड़ी को नए नए रूप देना चाहता है। और जानती है राधा, उसके लिए उसने क्या किया? क्या किया काका? अरे सबसे पहले एक जानदार ट्रैक्टर खरीदा। एक बार बचा सकता है तो दोबारा क्यों नहीं? अरे बुद्धू, उसने कोई तुझे बचाने की डिग्री थोड़ी ना ले रखी है। पर उसका शुक्रिया अदा करना तो मेरा फर्ज है। उस फर्ज को कैसे पूरा किया जाए? कहाँ है सांप? कहाँ है? अरे सांप कहाँ है? ये रहा। पागल हो गई है क्या? एक तो कल मैंने तुझे सांप से बचाया और आज तू मुझे ही सांप बतला रही है।
तेरा जहर क्या सांप से कम जहरीला है? मैं सांप नहीं, सपेरा हूँ, जो जहरीली नागिनों को अपने वश में कर लेता है। तो इस नागिन को अपने वश में करके दिखा। अरे रुक, कहाँ जा रही है? तूने अपना नाम तो बताया नहीं। तूने ना तो पूछा, ना ही बताने दिया, उल्टा मुझे ही नाम बतला दिया। मेरा नाम राधा है। और मैं श्याम हूँ। श्याम? राधा का श्याम। अरे रुक तो, अब सांप कब काटेगा तुझे? ये तो सांप को ही पता होगा। कल यही इसी समय? कल की कल देखी जाएगी। राधा, ठाकुर साहब, ये आदमी का शिकार कब से करने लगे? और नहीं तो क्या, इतनी देर से आवाजें दे रहा हूँ पर तू है कि सुनता ही नहीं। अबे तूने कब आवाज दी? चल छोड़ यार, ये बता गांव कब आया? गांव आए हुए ये कुछ 15 दिन हो गए। 15 दिन और तू आज मिल रहा है, वो भी गोली चलाने के बाद? अबे माँ से ही पूछ लेता। अरे 3-4 चक्कर लगाए तेरे घर के, तेरा कुछ पता ही नहीं चलता। वो क्या है ना, मैं आज रात को गांव में ऑर्केस्ट्रा करवा रहा हूँ। क्या बात है भाई, गांव में ऑर्केस्ट्रा? मेरे यार देखियो, आज रात को
गांव में बिजली गिरेगी, बिजली। अबे बिजली का नाच देख कर ना मजा आ जाएगा। अबे मुझे मत ललचा, मैंने बहुत देखी है शहर में तेरी ये बिजली फिजली जैसी। हेलो बेटे, बिजली का नाच देखेगा ना तो शहर वाली भूल जाएगा। तू नहीं सुधरेगा ना सूरज, तू नहीं सुधर सकता, बिजली सुधरने ही नहीं देती। I'm
राधा, 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 राधा। भैया कहाँ खोई है? वही सब क्या है? हैं? तेरे पास खबर पहुंच गई क्या? एक मिनट रुक, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आया। फोटो? हाँ, फोटो। दिखाऊं? दिखाओ भैया। पहले आंख बंद कर। हाँ, जल्दी 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 जल्दी। ये ले और समझ ले, तेरी लॉटरी लग गई। ये कौन है भैया? मेरी राधा का होने वाला कृष्ण कन्हैया। मेरा मतलब है, इतनी जल्दी क्या है भैया? जल्दी? अरे अरे पगली, तेरी उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो गई और जो बची गांव में वो सब तेरे से छोटी हैं। नहीं भैया, मुझे अभी शादी नहीं करनी। नहीं करनी? पागल हो गई है क्या? तो क्या क्या बूढ़ी होके शादी करेगी? अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई भैया। ओ तो पढ़ाई करके तूने कौन सी नौकरी करनी है? भैया तुम बहुत जल्दी कर रहे हो। राधा तुझे पता है मरते वक्त अम्मा ने मुझसे क्या कहा था? मैं क्या जानू। अम्मा ने मुझसे कहा था कि बेटा सही वक्त पे राधा के हाथ पीला कर देना। और देख, मैं अम्मा को दिया हुआ वचन निभा रहा हूं। बस मैंने फैसला कर लिया है, इसी साल तेरा ब्याह होगा। अरे परले गांव के जमींदार के लड़के से तेरा रिश्ता पक्का करके आया हूं। भैया मैंने तुम्हें हमेशा पिता समान माना है और वैसा ही मान दिया है। थोड़े दिन और ठहर जाओ। मैं बस भगवान से यही दुआ कर रहा हूं कि मैं अम्मा बाबा को दिया वचन पूरा कर सकूं। पगली तेरा ब्याह करने की मुझे इतनी जल्दी नहीं है, लेकिन लेकिन क्या करो, समाज की रीत है। तेरे जाने के बाद ये दीवार ही मुझे काटने को दौड़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं राधा। देख मेरी बात मान, हाँ कर दे। नहीं भैया, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। श्याम, श्याम 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 श्याम। अरे राधा, कब से पुकार रही हो हमें? श्याम कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। अरे ये मुंह क्यों सजा रखा है? तुझे क्या, तू तो हमेशा अपनी धुन में ही घूमता रहता है। मैं अपनी धुन में घूमता रहता हूँ? और तू किसकी धुन में घूमती रहती है? अब ये बच्चों जैसी बातें छोड़ और बता बात क्या है। श्याम, भैया मेरी शादी तय करना चाहते हैं। तेरी शादी? मगर किससे? परले गांव के जमींदार के लड़के से। जमींदार तो हम भी हैं। श्याम फिर मजाक। अच्छा तू मुझे एक बात बता। श्याम कोई ऐसी वैसी बात मत पूछियो, अभी मेरा मन ठीक नहीं है। अरे नहीं पूछूंगा कोई ऐसी वैसी बात, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुझे कैसा लड़का पसंद है, बोल। मुझे बता। मुझे तो तू पसंद है। सच? तेरी कसम श्याम। मेरी आंखों में आंखें डालकर एक बार फिर से तो बोल।
पे गिराई बिजलियां तू भी तो आसमान है, मुझ पे गिराई बिजलियां तू भी तो आसमान है। मुझ पे गिराई बिजलियां तू भी तो आसमान है, मुझ पे गिराई बिजलियां तू भी तो आसमान है। लहका बदन तू तीर है तू कमान है, मुझ पर तू मेहरबान है तू मेरा आसमान है। मुझ पे गिराई बिजलियां तू भी तो आसमान है, मुझ पे गिराई बिजलियां तू भी तो आसमान है। गिराई बिजलियां तू भी तो आसमान है, मुझ पे गिराई बिजलियां तू भी तो आसमान है। मेरे बांसुरी तू सुर है मेरी तान है, मुझ पर तू मेहरबान है तू मेरा आसमान है। मुझ पे गिराई बिजलियां तू भी तो आसमान है, मुझ पे गिराई बिजलियां तू भी तो आसमान। तेरे को शर्म नहीं आई? क्या करे तू ये सब? अरे गांव गांव भटक रहा हूं मैं तेरे लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए, और तू इस तरह से ये सब? भैया एक से चुप, एक शब्द नहीं। इस भाई के बारे में कुछ सोचा तूने? मैंने तुझे अपने बच्चों की तरह पाला, अपनी बेटी की तरह पाला, और तू मेरी इज्जत को इस तरह से नीलाम करेगी? भैया अब एक मिनट चुप, एक शब्द नहीं बोलेगा तू? और एक बात सुन ले तू, ये तेरा शहर नहीं है जहां लड़कियां हाथ में हाथ डाल के घूमती हैं, ये शरीफों का गांव है समझे? और अगर आज के बाद तूने मेरी बहन की तरफ आंख उठा के देखा ना, चीर दूंगा मैं तुझे, समझ गया? Oh
आप लोग मेरी बात तो सुनिए। क्या कहना तुझे? अरे क्या कहना चाहता है तू? सारे गांव में मेरी इज्जत उछाल दी, अब कहने को रह क्या गया तेरे पास? बेटा चुप हो जा, ज्यादा तैश में मत आ। अरे राधा, तेरी इज्जत नहीं पूरे गांव की इज्जत है, हम सब की इज्जत है। अरे जब ये कुछ बोलना चाहता है तो उसे बोलने दिया जाए। काका, ये पंच और पंचायत की इज्जत है जो अब तक मैं चुप बैठा, वरना अब तक मैं इसको चीर के रख देता। अरे चुप हो जा राधा, तेरी इज्जत नहीं पूरे गांव की इज्जत है, ज्यादा तैश में मत आ। पंच परमेश्वर के समान होते हैं। बेटा बोल, तू बोल, तू क्या कहना चाहता है? अरे जो ये बोल रहा है इसे बोलने दिया जाए, उसके बाद आखिरी फैसला तो पूरी पंचायत का ही होगा। बोल बेटा, तू क्या बोलना चाहता है? दीनू काका, मैं राधा से सच्चा प्यार करता हूं। शाम, अपनी औकात में रह, औकात में रह अपनी। अरे चुप हो जा। इस लड़के में क्या कमी है? क्या कमी है इस लड़के में? अरे पढ़ा लिखा लड़का है, गांव में बुजुर्गों की इज्जत करता है, समझदार लड़का है, शहर से पढ़कर आया है गांव में, और वो खेती बाड़ी की एक बहुत बड़ी पढ़ाई करके आया है हमारे गांव में ये लड़का। सठिया गए काका तुम, सठिया गए। और तू अपनी औकात को जमींदार साहब की इज्जत से मत तोल, औकात में रह अपनी। अरे काका, बीघा दो बीघा जमीन है इसके पास, और बाकी सारी जमीन इसकी बंजर पड़ी है। मानता हूँ कि मेरी सारी जमीन बंजर है, मगर अपनी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाना भी मैं जानता हूँ। और इस काम में मेरा साथ देगा मेरा सोनाली का ट्रैक्टर। आप बस मुझे 1 साल की मोहलत दे दीजिए भैया, और मैं वादा करता हूँ कि इस 1 साल में मैं राधा से एक बार भी नहीं मिलूंगा। पर अगर 1 साल बाद मेरी जमीन खेती के लायक हो गई तो फिर राधा मेरी होगी, और इस बात का वादा आप सबको मुझसे अभी करना होगा। शाबाश शाबाश मेरे दोस्त, ये हुई ना बात। और अगर इस बीच कभी भी किसी भी वक्त मेरी जरूरत पड़े तो मैं हमेशा तेरे साथ हूं। ओ नचनिए नटंकीबाज, चोर चोर मुसेरे भाई, देख ले काका, इसीलिए मैं राधा का ब्याह से नहीं करना चाहता। अरे तो एक बार राधा से तो पूछ ले। राधा बेटी तू बोल, तू क्या कहती? अरे ये क्या बोलेगी, क्या बोलेगी? बच्ची है ना समझ है, अगर समझदार होती तो इसके पल्ले पड़ती। हाँ हाँ, तू ही समझदार है ना इस गांव में, पूरा गांव बेवकूफ है। ये पंचायत ना समझ है और ये राधा ना समझ है, तू ही आ गया गांव में एक समझदार। श्याम बेटा, ये तूने क्या बोल दिया? अरे कुछ बोलता तो सोच समझ कर बोलता, उस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने में तो तेरी उम्र गुजर जाएगी, उम्र। नहीं दीनू काका, मुझे अपने आप पर और अपने सोनाली का ट्रैक्टर पर पूरा भरोसा है। तू बोल, तू क्या बोलता है? अब जो पंच निर्णय देंगे उस निर्णय को राधा का भाई भी मानेगा और ये श्याम भी मानेगा, क्यों पंचो? भाइयों, मैं पंचायत की तरफ से और गांव वालों की तरफ से ये निर्णय लेता हूं कि श्याम अगर 1 साल में उस बंजर जमीन को उपजाऊ ना बना सका तो वो राधा से कभी नहीं मिलेगा।
पवन सुत हनुमान की जय। मुबारक हो शाम, तुमने तो कमाल कर दिया। अपने इस दमदार शानदार सोनालिका ट्रैक्टर के साथ इस बंजर जमीन को 8 महीनों में उपजाऊ बना दिया। वाह सोनालिका वाह। अरे गांव वालों आओ देखो, और जाओ कोई राधा और उसके भाई को बुलाकर लाओ। मेरे दोस्त तूने तो कमाल कर दिया। और ये सोनालिका ट्रैक्टर बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। सुन जरा राधा की खबर भी तो ले ले, कहीं 8 महीने में बूढ़ी तो नहीं हो गई है। जानते हो इस राधा और श्याम की कहानी का हीरो कौन था? हा? मेरा दोस्त श्याम? नहीं नहीं, क्यों? इस कहानी का हीरो था ये सोनालिका ट्रैक्टर। क्या? जो दमदार है, शानदार है, जिसने 8 महीनों में इस बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया। अरे हाँ काका, भाई मान गए काका, मान गए। शाम, जो हुआ उसे भूल जाओ, मैं गलत था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, आज ही रात को तुम दोनों के फेरे करवा दूंगा। ठीक। आज मेरे यार की शादी है, तो आज मेरे यार की शादी है, ऐसा लगता है मेरे दिलदार की शादी है। अरे भैया सूरज, शादी तो हो रही है, इतना खुशी का मौका है, ऐसे तो तू चारों तरफ बिजली को नचाता रहता। अरे इस खुशी के मौके पे तेरी बिजली कहाँ है? आज बिजली नहीं, पूरा बम लेकर आया हूँ। आ जाओ।